और आइए इस वक्त आपको सीधे हम दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी अजरक लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी, मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी, 60 साल में 70। मोदी ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनाकर जोड़ दिया। साठ साल में कांग्रेस 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई, मोदी ने सिर्फ 10 साल में 325 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स से आज 22 से अधिक एम्स है। कांग्रेस के राज में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कनेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% घरों में नल से जल आता था। आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे। मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स है। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। कांग्रेस के राज में उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं तो
गांव में जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा वो कौन सा पंजा था बीच में लूट लेता था। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरे का पूरा 1 रुपया 100 पैसे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होते हैं। साथियों, मोदी ने 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं और वो अमाउंट है 36 लाख रुपए। 10 साल में हमने 36 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से मैं कहूं, अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो 36 लाख करोड़ जनता के लिए भेजे गए, अगर कांग्रेस सरकार होती तो 31 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते। साथियों, देश की कार्य संस्कृति में ये बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है? कांग्रेस के पास भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने क्या